देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। कोरोना ने तोड़ी बिहार की कमर, अप्रैल में राजस्व वसूली 82% से ज्यादा घटी। बिहार में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए शिक्षकों को मिलेगा अंतर जिला पास, शिक्षा विभाग ने गृह विभाग से किया आग्रह। बिहार प्रशासनिक सेवा के 228 अधिकारियों को मिलेगी पोस्टिंग, ट्रेनिंग के बाद हुई तैनाती। बिहार के मैट्रिक छात्रों की बढ़ी धड़कने, 48 घंटे में जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के नियोजन पर जारी किया गया नया सर्कुलर। बिहार में कोरोना से 9वीं मौत, पटना NMCH में एक महिला ने तोड़ा दम। शिवहर के DM ने कोरोना को मात देने वाले माँ बेटे को गिफ्ट देकर किया विदा। बेगूसराय में क्वारंटाइन सेंटर पर खाना नहीं देने पर हंगामा, प्रवासी मजदूरों ने किया सड़क जाम। पटना के IGIC से जुड़ा नालंदा के कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर का कनेक्शन, मचा हड़कंप। बिहार पहुंचने वाला चक्रवात अम्फान, मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट। भागलपुर में शिक्षा के घर बमबाजी और फायरिंग, नशे में धुत अपराधियों ने मचाया कोहरा। BMP में नहीं थम रहा है संक्रमण का चयन, एक के साथ 6 महिला सिपाही मिली कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा पहुंचा 46। नीतीश कुमार को पैसे लौटाकर बोले मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में रह रहा हर बिहारी हमारा है, उनके लिए पैसे नहीं लूंगा। बिहार शरीफ में तबलीगी मरगज प्रमुख मौलाना साद की बुराई करने पर भाजपा नेता को पंचायत ने कराई उठक बैठक। पूर्णिया के DM की अनोखी पहल, क्वारंटीन में रह रहे 70 दर्जी को दिया रोजगार, बनाएंगे मास्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हाईवे के हर 20 किलोमीटर पर खुलेंगे सामुदायिक किचन। झारखंड का लोहरदगा 16वां और रामगढ़ 17वां कोरोना पॉजिटिव जिला बना, कुल मरीजों की संख्या हुई 223। भारत नेपाल सीमा पर प्रवासियों को लेकर तनाव, दोनों ओर के अधिकारी प्रवासियों को लेने के लिए तैयार नहीं। वैशाली में कुख्यात के घर SPF और पुलिस ने डाली रेड, हथियारों का जखीरा बरामद, 3 गिरफ्तार। नोएडा से भागलपुर जा रही बस कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त, 12 घायल, CM योगी ने DM और SP को दिए जांच के आदेश। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।